लोकसभा चुनाव 2019 अपने आखिरी दौर में चल रहा है। अब सिर्फ दो चरण का मतदान ही शेष रह गया है। आखिरी दो चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के बंकुरा और पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित किया। यहां पर पीएम मोदी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां भाजपा की रैली न हो पाए इसके लिए टीएमसी सरकार ने पूरी शक्ति लगा दी थी, लेकिन जिस पर आपका आशीर्वाद हो उसे आपके बीच आने से कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऊपर हो रही बयानबाजी को लेकर कहा कि ममता दीदी कितनी परेशान है उसका अंदाजा उनकी भाषा से लगाया जा सकता है। वो अब मेरे लिए पत्थरों की बात करती है, थप्पड़ों की बात करती है, मुझे तो गालियों की आदत है, लेकिन बौखलाहट में दीदी देश के संविधान का भी अपमान कर रही है। पीएम मोदी ने जनसभाओं को संबोधित किया है। पश्चिम बंगाल में दो चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर बरसे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। दीदी देश के संविधान का भी अपमान कर रही है, आप हैरान हो जाएंगे। वो पब्लिकली कह रही है, वो देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पीएम को पीएम मानने में उन्हें गौरव का अनुभव होता है। जब पश्चिम बंगाल में समुद्री तूफान आया, साइक्लोन आया, तो मैंने उन्हें दो दो बार फोन किया, लेकिन उनका अहंकार इतना है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से बात करना उचित नहीं माना। यहां तक कि भारत सरकार यहां के अफसरों के साथ बैठ करके इस साइक्लोन के समय मदद करना चाहती थी, लेकिन दीदी ने उस मीटिंग करने से भी इनकार कर दिया।